हेलो दोस्तों, विजय पथ में आपका स्वागत है। और बहुत ही अच्छी खबर है, यूपीपीसीएल में वैकेंसी आ चुकी है। किसकी आ चुकी है? टेक्नीशियन की आ चुकी है यूपीपीसीएल में। ठीक है, तो भाई कौन कौन एलिजिबल है सबसे पहले यही सुन लो। कौन कौन एलिजिबल है भाई? तुम्हारा टेंथ होना चाहिए। किसके साथ? इसके साथ साइंस प्लस मैथ, होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? आईटीआई होना चाहिए, तो भैया टेंथ होना चाहिए साइंस प्लस मैथ के साथ, और आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ लेते हैं भाई। किसमें कितनी वैकेंसी आई है? ये जनरल है, जनरल कैटेगरी में 357 है, ओबीसी में 241 है, और एससी एसटी में देख लीजिए आप लोग इतना आ गया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 89, तो ईडब्ल्यूएस में 89 पड़ा हुआ है। चलो देख लेते हैं फिर कैसे क्या होगा। ये ऑनलाइन होगा भाई, ये ऑनलाइन होगा, जो परीक्षा है वो आपकी ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी मोड में। ठीक है, तो ऑनलाइन होगा, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसका, नॉर्मलाइजेशन। तो जल्दी से जान लेते हैं, ज्यादा टाइम मिलेंगे। और इसका सैलरी देखते हैं, सैलरी है 27,200 न्यूनतम, सैलरी आपका 27,200 रुपये है, और अन्य भत्ते अलग से मिलेंगे। ठीक है चलो, और दिनांक, अब हाँ आपका आयु देख लेते हैं। आयु है आपका 18 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए, और अधिकतम 40 वर्ष। 18 वर्ष न्यूनतम और 40 वर्ष अधिकतम। ठीक है, और जो छूट मिलेगा वो 5 वर्ष की छूट मिल जाता है, वो आप देख लीजिएगा, इस कॉलम को पढ़ लीजिएगा, ये इस कॉलम को आप पढ़ लीजिएगा, अभी पढ़ लीजिए। 5 ईयर का छूट मिल जाता है ना सभी फॉर्म में। चलो फिर आगे चलते हैं, फीस देख लेते हैं, कहाँ चला गया, फीस देख लेते हैं किसका रखना है। जनरल वालों का देख लो, जनरल वालों को 1,180 पेमेंट करना है, बाकी सभी लोगों को 826 पेमेंट करना है। ठीक है, 826 बाकी का एससी एसटी ओबीसी का, और जनरल वालों का 1,180। चलो नेक्स्ट चलते, देख लेते हैं क्या क्या है। और एलिजिबिलिटी समझ आ गया ना भाई, 10th पास होना चाहिए। और देखो एग्जाम कितना कैसे होगा भाई, एग्जाम कैसे होगा ये देख लो। तुम्हारा टोटल मार्क्स होगा ना, टोटल मार्क्स तुम्हारा 200 नंबर का, सबसे पहले ये जान लो, टोटल मार्क्स होगा 200 नंबर का, 200 नंबर का। 20 नंबर का रीजनिंग, 20 नंबर का आया था क्या, सामान्य अध्ययन और रीजनिंग। तो सामान्य अध्ययन और रीजनिंग के लिए क्या करना है, विजय पथ चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, रीजनिंग के जितने वीडियो हैं सब देख लो, प्लेलिस्ट में जाओ, रीजनिंग के जितने भी वीडियो हैं सब देख लो, 20 नंबर हो जाएगा। ठीक है, और सामान्य अध्ययन भी आएगा तो इसके लिए वीडियो डाल दिया जाएगा। सामान्य हिंदी आएगा 15 नंबर का, और इंग्लिश आएगा 15 नंबर का। टेक्नीशियन, ये टेक्निकल नॉलेज पूछेगा भाई, ये टेक्निकल नॉलेज पूछेगा, 150, 150 नंबर का होगा, 150। तो ये टोटल हो गया आपका कितना, 200 मार्क्स। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन आएगा, 150 मार्क्स, यानी कि एक मार्क का। नेगेटिव मार्किंग है, हाँ है, नेगेटिव मार्किंग कितने का है भाई, 1/4, 1/4 का नेगेटिव मार्क। ठीक है, 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। तो भैया जो तुम्हारा पेपर होगा, आप पेपर का तीन समझ लो क्या होता है, तुम्हारा पेपर होगा 3 घंटे का, 3 घंटे का तुम्हारा पेपर होगा, 3 घंटे का तुम्हारा पेपर होगा। ये दो पार्ट में होगा, पहले पार्ट क्या आएगा भाई, पहला जो पार्ट होगा उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा कंप्यूटर। कितने नंबर का, 50 नंबर का, 50 नंबर का कंप्यूटर आएगा। जो कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे वो 50 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का, एक एक नंबर का। और 1/4 क्या है, नेगेटिव मार्किंग, है 1/4 का। तो इसमें कम से कम तुमको 20 नंबर तो चाहिए, 20 नंबर इसमें कम से कम चाहिए कंप्यूटर वाले में। और ये मेरिट के लिए नहीं होगा, ये इसमें अगर तुम 50 में 50 पा जाओगे तो ये मेरिट के लिए जोड़ा जाएगा। देखो लिखा हुआ है मेरिट, ये तो जोड़े नहीं जाएंगे,
मेरिट के लिए नहीं जोड़े जाएंगे, तो भैया कम से कम तुम 20 पार लेना पास होने के लिए। अगर तुम इसमें 20 नहीं होगे तो जो तुम्हारा सेकंड पार्ट है ना वो चेक नहीं होगा। जो तुम्हारा सेकंड पार्ट है, ये चेक नहीं होगा भाई। तो इसमें पहले तुमको 20 नंबर पाना होगा, ये कंप्यूटर वाले में तुमको 20 नंबर पाना होगा कम से कम। और कंप्यूटर वाले का जो भी मार्क्स होगा वो मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसमें कम से कम 20 से ऊपर पाना, नेगेटिव मार्किंग है 1/4। और दूसरा पार्ट है, दूसरा जो भाग होगा पेपर वो ये होगा, ये वाला, ठीक है, ये होगा 200 नंबर का, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4। समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ होगा। अब कम से कम भाई टोटल ओवरऑल मिला के 33% से ऊपर पाना है, 33.5% से, समझ गए। चलो मुझे लगता है हो गया सारा, और भी कुछ बचा है? हाँ, डेट वगैरह देख लो, डेट वगैरह देख लो, ये 27 से शुरू है, 27 सितंबर से शुरू है और 19 अक्टूबर तक जाएगा। तो भैया पहले फॉर्म भर लेना, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। 27 से लेकर के 19 तक, 27 सितंबर से लेके 19 अक्टूबर तक होगा, ठीक है, तो ये भर ले जाना। परीक्षा कब है भाई? परीक्षा नवंबर लास्ट में होगा। एग्जाम तुम्हारा कब होगा? एग्जाम तुम्हारा नवंबर लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तैयारी में जुट जाओ, और तैयारी में जुट जाओ, और जो भी रीजनिंग वगैरह पढ़ना है, ये देखो, ये जो पोर्शन है 20 नंबर का ये जो पोर्शन है, ये जो 20 नंबर का पोर्शन है वो तुम्हारा इसी विजय पथ चैनल के रीजनिंग वाले प्ले लिस्ट में जाओ और रीजनिंग वाला खोल लो, तो रीजनिंग हो जाएगा। और जीएस का भी देखते हैं, जीएस का अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो फिर बंद करते हैं।